देश की आन बान शान है तिरंगा। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश। 13 से 15 अगस्त तक हर घर में फहराना है तिरंगा। पूरे जोश के साथ बढ़ चढ़कर अभियान में ले हिस्सा। देश की आन बान शान है तिरंगा और इसी जज्बे के साथ देश में हर घर तिरंगा अभियान जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ 7 राज्य केंद्र शासित प्रदेश पूरे जोश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान में देशवासियों को 13 से 15 अगस्त तक पूरे देश में झंडा फहराना है। इस अभियान का मकसद नागरिकों के मन में राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध पैदा करना और आगामी 25 सालों के संकल्पों को पूरा करने का प्रण लेना है। केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए फ्लैग कोड में भी अहम बदलाव किए हैं। आजादी के बाद पहली बार देश का हर नागरिक अपने घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान या सार्वजनिक स्थल पर तिरंगा फहरा सकता है। यही नहीं, इस बार सूर्यास्त के बाद भी तिरंगा फहराया जा सकता है। आजादी के बाद देश ने पहली बार तिरंगे के जनक पिंगली वेंकैया जी का जन्मदिन मनाया और उनके योगदान को स्मरण किया। वहीं यूपी सरकार ने 4,50,00,000 राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने का लक्ष्य तय किया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी 20,00,000 घरों में तिरंगा फहराने की तैयारी का निर्देश दिया है। अभियान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी अपने तरीके से जुटी है। छत्तीसगढ़ सरकार का 60,00,000 घरों तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश सरकार भी हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।